हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, बुद्धिमान खरगोश। बच्चों, जिसकी बुद्धि तेज होती है वही बलवान होता है। यही बात प्रस्तुत पाठ में शेर और खरगोश की कहानी के द्वारा समझाई गई है। खरगोश को उसके बिल तक पहुँचाइए और अपनी बुद्धि का परीक्षण कीजिए। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आपको खरगोश को उसके बिल तक पहुँचाना है। इसका अभ्यास आप खुद कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आज की कहानी, बुद्धिमान खरगोश। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज जानवरों को मारा करता था। जंगल के सब जानवर उससे बहुत भयभीत रहते थे। एक दिन जंगल के सब जानवर मिलकर शेर के पास गए। उन्होंने उस शेर से कहा, हे स्वामी, इस जंगल में अब बहुत थोड़े जानवर रह गए हैं। यह जंगल जानवरों से खाली हो गया है। शेर ने कहा, यदि मैं जानवरों को ना मारूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? जानवरों ने कहा, हम लोगों में से प्रतिदिन एक जानवर आपके पास आ जाया करेगा, उसको खाकर आप अपनी भूख मिटा ले। शेर ने जानवरों की यह बात मान ली। सब जानवरों ने उसके साथ बारी बांध ली। जिस जानवर की बारी आती वह शेर के पास चला जाता था। शेर भी उसे खाकर अपना पेट भर लेता था। वह उसको छोड़कर दूसरे जानवरों को नहीं मारता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, आज मरना तो है ही, फिर आराम से ही क्यों ना चलूं। वह धीरे धीरे चलकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। उधर शेर को बहुत भूख लगी थी। उसे खरगोश को देखकर बहुत क्रोध आया। वह गुस्से में बोला, अरे नीच, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे मार कर खाने से मेरी भूख ही नहीं मिटेगी, और फिर तू इतनी देर से आया है। आज मैं जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा। खरगोश बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। मैं किसी प्रकार उसे वापस लौटकर आने का वचन देकर बड़ी चालाकी से आया हूँ। शेर क्रोध में भर कर बोला, कहाँ है वह दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है और मेरा मुकाबला करना चाहता है। खरगोश बोला, महाराज, शांत रहिए, वह बहुत बड़ा और बहुत दुष्ट शेर है, आप उसके पास न जाएं। शेर बोला, पहले मुझे उसके पास ले चल, पहले उसे मारूंगा फिर तुझे खाऊंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश बोला, महाराज, इस कुएं में रहता है वह शेर। शेर ने कुएं में देखा, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर उसने समझा कि कुएं में सचमुच ही कोई दूसरा शेर रहता है। वह जोर से गरजा। कुएं के अंदर आवाज जोर से गूंजी। शेर ने समझा, कुएं वाला शेर उसे देखकर गरज रहा है। वह गुस्से में भरकर कुएं में कूद पड़ा और डूब कर मर गया। शेर की मृत्यु की बात सुनकर जंगल के सब जानवर बहुत खुश हुए। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा, बुद्धिमानी से सभी समस्याएं हल की जा सकती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।